उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग पर पदस्थ महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर CMHO के नाम खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK जैन को ज्ञापन सौंपा। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वर्तमान समय में कोविड सेशन के दौरान वैक्सीनेशन व वेरीफायर का कार्य कराया जा रहा है, जिसका प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, वही जल्द प्रदान की जाए। उन्होंने अपनी मांग में बताया है कि निरंतर हम लोगों से कार्य लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी सप्ताह में अवकाश नहीं दिया जा रहा है, साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता, वह व्यवस्था बनाई जाए। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग रखते हुए बताया है कि हम सभी महिला संविदा बहनों को समान वेतन समान कार्य का लाभ दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पर्याप्त संसाधन उपकरण दवाइयां भी दी जाए, जिससे हम गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवा आमजन को दे सके। महिला कर्मियों ने आरोप लगाया है कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर हमें दोषी ठहराया जाता है, जबकि इसके जिम्मेदार ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी होते हैं, उन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। और उक्त ज्ञापन पत्र लेते हुए BMO डॉक्टर VK जैन ने कहा कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दिया गया ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक भेज दिया जाएगा। हम लोगों की ये मांगे हैं, विशेषकर कि हम लोग एक महिला कर्मचारी हैं और हम लोगों को साप्ताहिक एक दिन मिलता है रविवार का, जो कि अभी 2-3 हफ्ते से हम लोगों के हर दिन सेशन होने के कारण रविवार भी सेशन लगाया जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन का। तो हम सभी महिलाएं हैं, पारिवारिक जीवन भी हमारा होता है, बच्चे हैं छोटे, तो उनकी देखरेख हम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण हम लोग एक अवकाश चाहते हैं सप्ताह में, जिससे हम लोग अपनी और अपने परिवार की देखरेख अच्छे से कर सकें, तो एक रविवार अवकाश हम, इसलिए हमने ये मांग एक रखी है। किससे मांग की है ये आपने, किसको किसको दिया? हमने ये दिया है BMO सर के माध्यम से, अपने CMHO सर को, और हम देंगे SDM मैडम के माध्यम से कलेक्टर सर। आगे क्या कुछ कदम रहेगा आप आगे तो? हम लोगों का अभी और भी है, जैसे हमारा एक पोर्टल है अनमोल चलता है ऐप, तो उसमें क्या है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ डाटा सिंक नहीं होता, यदि होता भी है तो एरर में चला जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि उसका समाधान किया जाए। और कोविड वैक्सीनेशन में वेरीफायर और वैक्सीनेटर के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान, प्रोत्साहन राशि का, जो कि जनवरी से हम लोग सेशन कर रहे हैं, हम लोगों को तो अभी तक दिया नहीं गया, और दोनों काम हम ही लोग ही कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड बहुत होने के कारण हम लोग ये थोड़ा सा शासन से चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों के रविवार का हम लोग को अवकाश दिया जाए और थोड़ा वर्कलोड कम करें और प्रोत्साहन राशि दिया जाए। खास तौर से एक अवकाश का समय मांगा है, संडे का तो वो तो प्रावधान में है अब, लेकिन अभी काम वर्तमान की परिस्थिति में काम ज़्यादा बड़ा हुआ है, सरकार हम लोगों को टाइम ही नहीं दे रही है, एक बात तीन प्रोग्राम चल रहे हैं, वैक्सीनेशन चल रहा, दस्तक चल रहा, कायाकल्प चल रहा, तो ऐसे कई प्रोग्राम होने के कारण व्यस्त हो जाती है, इसलिए सरकार इसमें इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन फिर भी ये एक समस्या है, इसमें ध्यान देना चाहिए, कम से कम वीकली एक अवकाश मिले, इस पर हम आगे बढ़ा देंगे इनका आवेदन। दूसरा इनने रखा है अनमोल का, तो वो तो भाई राजकीय ऐप है, इनकी व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी थी वैसे साहब के माध्यम से, अनमोल में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो सॉल्व होगा धीरे। वॉइस ऑफ राइट्स क्लब बिरसीपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।